दोस्तों आज खेला जा रहा है आईपीएल 2023 का आठवां मुकाबला। आठवां मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। आठवां मुकाबले में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे आप लोग देख लेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस आईपीएल मैच में शिखर धवन की काफी बेहतरीन पारी देखने को मिली। आज भारतीय टीम का एक युवा खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन किया। पंजाब किंग्स के ओपनर सिमरन कौर ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज शिखर धवन ने दुनिया का लंबा छक्का भी मार दिया। शिखर धवन का वो छक्का काफी दूर जा गिरा था। अभी ही क्रिकेट फैन की नजरें केवल उस छक्के पर ही थी। दोस्तों आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा और आपके एक लाइक से ये आईपीएल सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों इस समय आईपीएल का माहौल चल रहा है, ये बात तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। सभी ही टीमें इस आईपीएल टाइटल को जीतने के लिए बेसब्री से अपना मेहनत कर रही हैं। सभी ही टीमें हर मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज के आईपीएल के मैच में। आज का जो मैच था वो पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। ये मुकाबला इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा कि हर क्रिकेट फैन इस मुकाबले की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है। इस मैच का टॉस जीती है राजस्थान रॉयल्स और पहले बॉलिंग करने का निर्णय करती है। बॉलिंग कराने आई राजस्थान रॉयल्स काफी ज्यादा फ्लॉप रही। पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने आए सिमरन कौर और शिखर धवन ने काफी शानदार पारी खेली। दोनों ही ओपनर ने मिलकर 6 ओवर में 60 रन बना दिए। किसी भी टीम का पावर प्ले में 60 रन बनना मतलब वो टीम काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। शिखर धवन और सिमरन कौर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से पंजाब किंग्स एक बढ़िया टोटल पर पहुंच पाए। हालांकि दोस्तों पंजाब किंग्स के जो ओपनर शिखर धवन थे वो सेंचुरी से चूक गए। शिखर धवन ने शानदार 85 रनों की पारी खेली, वहीं सिमरन कौर ने 60 रन बनाए और बीच में आज भनुका राजपट से रिटायर्ड भी हो गए। दोस्तों देखा जाए कि इस मैच में फुल ऑफ फन देखने को मिला। शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स थोड़ा पीटे थे, बाद में आकर उन्होंने भी काफी बढ़िया बॉलिंग की। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के बैटर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने इतने टफ सिचुएशन में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की और एक बढ़िया स्कोर बनाया।